हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों को मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। अभी मैं पहुंच चुका हूं वीरपुर का झील जो बनने जा रहा है। अभी कार्य प्रगति पर आप लोग को दिखाते हैं कुछ इसका जो कैसे बन रहा है। चलिए चलिए दिखाते हैं आप लोग। इस झील का नाम मानसरोवर झील रखा गया है, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह झील बस स्टैंड के ठीक आगे है। इस स्थल का लाभ हम लोग लगभग 2025 तक में ले सकते हैं। हमारा वीरपुर अब प्रसिद्ध होने वाला है, क्योंकि यहाँ आस पास पड़ोस में कोई ऐसा घूमने का स्थान नहीं है जो कोई लोग घूम सके। एक यही स्थान जो बनने जा रहा है, करीब 2025 तक में बन जाना चाहिए। चलिए आप लोग को आगे दिख रहा है जो नाव, इसको भी दिखाते हैं कैसा नाव है और ये नाव आप लोगों को कहाँ ले जा सकता है। ये नाव जो है क्यों रखा गया यहाँ पे, आप लोग को भी बताते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये नाव, चलिए आप लोग को लोग दिखाते हैं नज़दीक से। देखिए कितना प्यारा है। इस नाव के माध्यम से आप लोग पीछे जो आप दिख रहे हैं टीला, वहाँ पे होटल बनेगा, बहुत सारे और चीज़ बनेगा, घूमने का स्थान भी बनेगा, वहाँ जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। ये देख सकते हैं पानी टंकी जो पुराने ज़माने का है, कब बना मुझे भी नहीं मालूम है। अब देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा झील का, जो कि मानसरोवर झील के नाम से प्रसिद्ध होने वाला है। और ये देखिए पूरा आप लोगों को दिखाते हैं पीछे से, पीछे के एरिया से आप पूरा इसका नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा है। यदि बन जाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस झील के नज़दीक में ही शिव जी का मंदिर है, जो वो भी कार्य प्रगति पर था, उसका निर्माण पूर्ण हो गया है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं वो। इस मंदिर का भी निर्माण कार्य बहुत दिनों से चल रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है। आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा भव्य तरीके से बनाया गया है इस मंदिर को। यह मंदिर वीरपुर भीमनगर सड़क के किनारे है, जो आप लोग आकर के लुत्फ इसका उठा सकते हैं। इसके बगल में बजरंगबली का भी मंदिर बनाया जा रहा है, जो वो भी पूर्ण नहीं हुआ है अभी तक। वो पूर्ण होगा तो वो भी बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा आप लोग को। देख सकते कितना अच्छा नज़ारा है, पूरा साइड से आप लोग को दिखा रहे हैं।